आज मैं चकमा घाट में आया हूं। आने से थोड़ी देर पहले, 10 दिन पहले सब लोग पूछ रहा था कि एक बुकुंगबारा पार्टी तेलियामुरा से फाइट करेगा कि नहीं करेगा, एक आंचलिक पार्टी तेलियामुरा से फाइट करेगा कि नहीं करेगा। यहां में हमारा कैंडिडेट है अभिजीत। सब लोग बोल रहा है कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अभिजीत, आपको इस बार सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी कोई नहीं जिता सकता है, सिर्फ तीपरा मोथा जिता सकता है। आज तक कल्याणपुर में कोई बुकुंगबारा नहीं लड़ा, लेकिन इस बार तीपरा मोथा ने बुकुंगबारा को सीट दिया, अपना ही मनिहार दे परमा को, बुरी को दिया। सब लोग बोल रहा था कि कृष्णपुर से कौन होगा प्रार्थी, लेकिन मैंने अपना लोकल ब्लॉक प्रेसिडेंट को दिया, महेंद्र देव वर्मा लोकल को दिया। तो आप देखो ये तीपरा मोथा कैसा पार्टी है, एक बुरुई को दिया, जहां में बुरुई को, बुकुंगबारा बुरुई को कभी टिकट नहीं मिलता था, तेलियामुरा में तीपरा मोथा अनिल सरकार के बेटे को टिकट दिया, एक आंचलिक पार्टी तेलियामुरा से लड़ रहा है, और कृष्णपुर में हमने अपना लोकल यूथ को, ब्लॉक प्रेसिडेंट को टिकट दिया। सिस्टम को चेंज करने का कोशिश कर रहा है बुबागरा, परिवर्तन करने का कोशिश कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मोथा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अलायंस किसी के संग करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, हराएगा, बीजेपी को हराएगा, सीपीएम को हराएगा और अपना बुकुंगबारा को जिताएगा इस बार। मेरे भाषण से पहले एक फोन कॉल आया और बोला जा रहा है कि आज हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह शांतिर बाजार में तीपरा मोथा को बोल रहा है कि तीपरा मोथा बीजेपी का दुश्मन है, कांग्रेस सीपीएम का बी टीम है। मैं चकमा घाट से इंडिया के होम मिनिस्टर को एक बात बोलना चाहता हूं, ये माणिक्य परिवार किसी के सामने झुका नहीं है, किसी का बी टीम नहीं है। आप त्रिपुरा आए हो, त्रिपुरा का इतिहास बोलता है कि ये माणिक्य परिवार ना मुगल के सामने झुका, ना अंग्रेज के सामने झुका, ना सीपीएम के सामने झुका, ना आज बीजेपी के सामने झुकने वाला है। किसी ने बोला कि हम लोग चिकन पार्टी है, त्रिपुरा छोटा राज्य है, हां हम लोग छोटा राज्य है, हम लोग चिकन है, हम लोग बुकुंगबारा है, नाक भी छोटा है, लेकिन अगर मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है ना,
तो हमारा तिपरासा का बुबागरा के पास 70 इंच का सीना है, देख लो। चैलेंज मत करो, प्यार से आओ, प्यार मिलेगा। धमकी देने का कोशिश मिला तो हार के वापस जाना पड़ेगा आपको। हमने क्या गलत बात डिमांड किया है? हमने सिर्फ ये कहा है कि हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। 75 साल हो गया, यहां में हम लोगों के पास घर नहीं है, हम लोगों के पास पानी का पीने का पानी नहीं है, डॉक्टर के पास विधि नहीं है, हॉस्पिटल में हम लोग मर रहे, पलंग नहीं है हॉस्पिटल में, बेड्स नहीं है, एडीसी एरिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहाड़ में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब हम लोग अधिकार मांगते हैं तो ये बोलते हैं डेवलपमेंट, जब मैं तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड मांगता हूं तो ये बोलते हैं डेवलपमेंट। तो 70 साल से क्या कर रहे थे आप, सो रहे थे क्या कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया? हम तो 3 साल से ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड कर रहे हैं, आप 70 साल तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे? 5 साल से आपका सरकार है अगरतला में, 5 साल में आपने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। आपने हमारे लिए क्या दिया? बोलते कि महाराजा वीर विक्रम के नाम में एयरपोर्ट किया। अरे एयरपोर्ट तो महाराजा ने बनाया, आपने कुछ नया नहीं किया। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। सबने बोला जोट होगा, जोट होबे, ए बार तो जोट होबे, सीपीएम में संगे जोट होबे, कांग्रेस से संगे जोट होबे, दिल्ली गए छे महाराजा, ए बार तो दिल्ली दिया बीजेपी संग जोट करे आईबो, बस आया जोट हुआ। अपना तिपरासा को प्यार करता हूं, धोखा नहीं दे सकता हूं आपको। मैंने बोला राइटिंग में दो, बोलता ना राइटिंग में देवो ना, जे अपनी चाय होए जाबे, जे अपनी चान होए जाबे, पर राइटिंग है देवरा केनो। हमको तो लगता था कि तिपरासा लिख नहीं सकता है, अब तो मालूम पड़ा है कि दिल्ली भी राइटिंग नहीं जानता है। यही धोखा एनसी देव वर्मा के साथ किया, यही धोखा यहां में हाथाई कतौर में एनसी देव वर्मा के साथ किया, राइटिंग में नहीं लिया एनसी ने। यही धोखा हमारा गीता यहां में है मेवाड़ के संग किया, राइटिंग में नहीं लिया। मैं आपको बोलता हूं, तिपरा मोथा पावर में आएगा ना, तो जब तक हम लोगों का आंदोलन को हमारा बुकुंग बारा का कुछ नहीं मिलता, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं आज और ये लोग बोलता है कि इलेक्शन के बाद अलायंस हो जाएगा, मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, जब तक हम लोगों को राइटिंग में नहीं मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर आर डिमांड, हम लोग सरकार में नहीं बैठेगा, बाहर बैठेगा, मंत्री भी नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग सरकार में नहीं बैठेगा। यही गलती एमसी बाबू ने किया कि सरकार में आईपीएफटी बैठ गया। जिस दिन सरकार में आप बैठ गया उस दिन आप डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक ही तरफ है। हम लोग ऑपोजिशन में भी बैठ जाएगा, लेकिन हम लोग सरकार में नहीं बैठेगा जब तक अपना तिपरासा को इंसाफ नहीं मिलता, हक नहीं मिलता। पहले से बोला था कि लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लॉलीपॉप आज भी दिया जा रहा है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। यहां में बहुत नेता लोग हैं जिसको टिकट नहीं मिला। आती, यू डिड नॉट गेट द टिकट, दुख लगा आपको, आप रोया भी, मुझे भी दुख लगा, लेकिन आती मैं भी नहीं लड़ा। गीता आपको नहीं मिला, मैं भी नहीं लड़ा, बीके रांखोल भी नहीं लड़ा, जगदीश देव वर्मा, रुनेल, सुहेल कोई नहीं लड़ा, कमल कलोई भी नहीं लड़ा,
पवित्र भक्ति भी नहीं लड़ा, सोना चरण कोई नहीं लड़ा, क्यों? राजेश्वर नहीं लड़ा, क्यों? क्योंकि ये फाइट आपको आती, आपको मुझे पवित्र भक्ति को एमएलए बनाने का नहीं है, ये फाइट ना इन लोगों को अधिकार देने का है, ये हम लोगों को वीआईपी बनाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ, यू हैव कम हियर, आई फील वेरी हैप्पी, ये कमिटमेंट है। दुख लगा दो दिन, तीसरा दिन आ गया काम करने के। और बहुत लोग जो बुबागरा को छोड़ के इस टाइम बीजेपी में जाएगा, जो लोग दो साल से ग्रेटर तिपरालैंड बोलता था, आज भारत माता की जय वंदे मातरम बोल के जाएगा, उसके दिल में कभी भी तिपरासा के लिए प्यार नहीं था, पोस्ट चाहिए था, पद चाहिए था, एमएलए चाहिए था। जाओ, गो, हमको परवाह नहीं, गो, क्योंकि आप लोग नेता नहीं, आप लोग लालची है, पोस्ट चाहिए, तिपरासा को धोखा देकर पोस्ट बनाना चाहता है। ये बुबागरा आपको प्यार करता है, अपना सब चीज छोड़ के, सब चीज को सैक्रिफाइस करके आपके लिए फाइट कर रहा है। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, जोट करो, अलायंस करो, नहीं किया, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूं। आई लव यू, आई लव यू, और ये मेरा फाइट नहीं है, जाना सबको है ऊपर एक दिन, एक दिन ईश्वर भगवान सुब्राय अल्लाह सबके पास, गॉड सबके पास जाना है आप। लेकिन आप जब तक जिंदा है, आपने अपना हा के लिए क्या किया, अपना जाति के लिए क्या किया, अपना राज्य के लिए क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये राजा अपना नियुंगमा के लिए नहीं फाइट कर रहा है, अपना पोस्ट के लिए फाइट नहीं कर रहा है, ये राजा अपना पद, अपना मंत्री एमएलए राज्यसभा का एमपी बनने के लिए फाइट नहीं कर रहा है, ये राजा अपना देश के लिए, अपना लोगों के लिए, अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि मैं त्रिपुरा को तोड़ना चाहता हूं, आप भी जवाब दो, अभिजीत आप भी जवाब दो, आप लोग बुकुंबारा आप भी जवाब दो, देश को कौन तोड़ता है जो पूरा दिन हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हिंदू, मुसलमान क्रिश्चियन करते रहता है। ये राज परिवार ने अगर बुद्ध मंदिर बनाया तो मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, मां त्रिपुरा सुंदरी बनाया, मंगल चंडी का मंदिर बनाया, तो 14 देवता को पूजा किया, तो गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया। ये परिवार धर्म के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम लोग ऐसा गंदा पॉलिटिक्स, सस्ता पॉलिटिक्स नहीं करता। सस्ता पॉलिटिक्स तो वो लोग करता है जिसने पूरा जिंदगी जाति के नाम में, धर्म के नाम में सबको बांटा है। आज यहां में कृष्णपुर हो, तेलियामुरा हो, कल्याणपुर हो, पानी का प्रॉब्लम है, ये लोग पाकिस्तान का बारे बात करता है। यहां में डॉक्टर नहीं है, नौकरी नहीं है, ये लोग चाइना के बारे, टिकटॉक को बैन करो उसके बारे बात करता है। यहां में आपके पास पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए टीचर नहीं है, घर नहीं है, ये लोग बोलता है हम अयोध्या में मंदिर बना रहा है। अरे माता बारी को बर्बाद कर दिया आपने, माता बारी को बर्बाद कर दिया, और आप अयोध्या के मंदिर के बारे बात करते हैं। हम तिपरासा को यहां में नौकरी चाहिए, आप बोलते हैं हमने कर्नाटका गुजरात में नौकरी किया, वो आपने किया बहुत अच्छा है, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, त्रिपुरा के बारे आपने क्या सोचा है? इलेक्शन के पहले 2018 में यही सब लीडर लोग, यही सब लीडर लोग 2018 में आया, बेकार बाटा होबे, रेगा होबे, 7 पे कमीशन होबे, स्मार्टफोन होगा, चा बगान को ये मिलेगा, डायरेक्ट फंडिंग होगा, आपका ये मिलेगा, वो मिलेगा, कहां गया इलेक्शन के बाद? 10,323 टीचर को नौकरी मिलेगा, कहां गया? खत्म, गायब, इलेक्शन खत्म। 2018 से 2023 तक किसी ने वो लीडर को नहीं देखा, किसी ने वो नेता को नहीं देखा। आज
फिर से इलेक्शन आया है, 2023 में फिर से इलेक्शन आया है, फिर से वो लीडर लोग दिल्ली से कलकत्ता से वापस यहां में, और फिर से डेवलपमेंट होबे, त्रिपुरा लैंड डिमांड करो ना, डेवलपमेंट उन्नति होबे, इलेक्शन खत्म, फिर से बाय बाय गुड बाय, फिर 2028 का इलेक्शन होगा, फिर से आएगा, फिर से हमको बोलेगा ये मिलेगा, ये होगा रहेगा, ये नौकरी मिलेगा आपको, इलेक्शन खत्म, टाटा गुड बाय। इसको बोलता है कॉकबरॉक में थकाए। दिल्ली बुला के अलायंस करो, बुबागरा अपना तिपरासा को थकाई नहीं कर सकता, और आप जो भी करना चाहे करो, उनके पास तो पैसा बहुत है, कांग्रेस के पास भी पैसा है, सीपीएम के पास केरला का गवर्नमेंट है, हेल्प करेगा, 25 साल शासन किया त्रिपुरा में, पैसा है सीपीएम का, बीजेपी के पास तो करोड़ करोड़ रुपया है, और जब बुबागरा तिपरासा से हमारा बुरुई से बुमा से सेकला से सिकली से हम आप लोग से गरीब जो त्रिपुरा के रहने वाले हैं, बंगाली हो मुसलमान हो, मैंने कहा कि हमारे पास इलेक्शन में फाइट करने के लिए पैसा कम है, आप लोग भी कुछ डोनेट करो, तो एमपी बीजेपी का एमपी है ये वाला, ये बोलता है कि बुबागरा तो एक्सटॉर्शन कर रहा है। एक्सटॉर्शन कौन करता है? पूजा के टाइम रास्ता में गाड़ी को रोक के चंदा उठाता है, घर घर में जाके किसी को धमका के पैसा उठाता है, एक्सटॉर्शन कौन करता है? रोज वैली का पैसा आपने लेकर 2018 का इलेक्शन फाइट किया, आप ड्रग पूरा ड्रग का पैसा आता, नशा मुक्त त्रिपुरा बोलते रहता है, लेकिन जो ड्रग्स का बिजनेस करता है वो लोग गवर्नमेंट में बैठा है आज भी, नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन सब जानता है कौन है, उसका पैसा से सरकार चलता है, गुंडा माफिया का पैसा से आप लोग हमारा तिपरासा को हमारा त्रिपुरा का गरीब जनता को धोखता है, अंबानी अदानी का पैसा आता है, और जब हमारा तिपरासा कोई ने 50 रुपया दिया, कोई ने 100 रुपया दिया, कोई ने 20 रुपया दिया, कोई ने 500 रुपया दिया, तो इसको बोलता है कि यह एक्सटॉर्शन है। मैंने अपना कलकत्ता में फ्लैट बेच दिया आपका फाइट के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं मरूंगा तो ये महल, ये पैसा, ये चांदी का थाली, ये राजबाड़ी को मैं ऊपर नहीं ले जाऊंगा। जो भी करना है धरती में करना है, और अपना जाति के लिए अपना लोगों के लिए करना है, मैं कर रहा हूं। आपने 4.5 साल में क्या डिमांड किया तिपरासा के लिए? एक ही बार सुनाई दिया कि हमको पुलिस का एस्कॉर्ट चाहिए, होमगार्ड चाहिए, अगरतला में क्वार्टर चाहिए, तिपरासा का घर के लिए आप डिमांड नहीं कर सकता है। हमारा एमपी तिपरासा के लिए एक घर के लिए डिमांड नहीं कर सकता है, लेकिन अपने लिए बंगला चाहिए, क्वार्टर चाहिए, उसके लिए आप डिमांड करता है, पीएसओ चाहिए, उसके लिए आप डिमांड करता है। यही हम लोगों का बुकुंगबारा का प्रॉब्लम है। हम लोग का तिपरासा लोग बहुत अच्छा है, नेता लोग में प्रॉब्लम है। नेता लोग ना वो अपना बारे सोचता, स्वार्थी हो गया। हमारा तिपरासा लोग गरीब है, ईमानदार है, सीधा भी है, और मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको मैं दिल से प्यार करता हूं। आपका राजा ना मर जाएगा, आपको धोखा नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ तो देगा। बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर भी ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर ने बोला कि आपको बाहर जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, तभी भी मैं अपना विधि नहीं खरीद के आपके लिए कैंपेन कर रहा हूं, अपना पैसा फेंक कर आपको कुछ देने का कोशिश कर रहा हूं। ये नेता लोग 5-5 साल में इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, आज बोलता है तिपरा मोटा, मोथा नहीं मोटा हो गया। मोटा तो वो लीडर हुआ है, और जो हमको मोटा मोटा बोलता है उनका भी है मोटा भाई, ठीक है। हमारा मोथा का मजाक मत उड़ाओ, ये मोथा ना
जिस दिन मोथा का माथा खराब हो गया ना, आपको समझ में दिखाएगा कि हम लोग का क्या पावर है। हम लोगों को हमारा मजाक मत उड़ाओ। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहते हैं। हम बंगाली तिपरासा हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं चाहते। और मैं यहां में जो सीपीएम का वर्कर है, कांग्रेस का वर्कर है, उनको भी एक दो बात बोलना चाहता हूं। कहां था कांग्रेस जब सीए हुआ? कहां था सीपीएम जब सीए हुआ था, जब तिपरासा और मुसलमान को बाहर रख दिया गया था? कहां था सीपीएम मानिक बाबू जब पानी सागर में मस्जिद को जलाया गया था? हमारा तिपरा मोथा का वॉरियर सबसे पहले बुबागरा आया था, तिपरा मोथा का वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया। आज सीपीएम और कांग्रेस का लीडर्स को अगरतला में मारा जाता है, पीटा जाता है। लीडर जो दिल्ली से आता है उसको मारा जाता है। आप लोग अपना लीडर का सुरक्षा नहीं कर सकता है। 5 साल ये इलेक्शन के बाद 5 साल तक आप अपना वर्कर का, अपना वोटर का क्या सुरक्षा करेगा? आज पहाड़ में कोई भी तिपरा मोथा का वॉरियर को छू नहीं सकता, कोई भी छू नहीं सकता तिपरा मोथा का। आप लोग वहां में पड़ा हुआ है, हमारे संग आओ, हम लोग आपको प्रोटेक्शन देगा, हमारा वॉरियर आपको प्रोटेक्शन देगा। आप लोग हमारा संग आओ, मत भूलो। इलेक्शन खत्म होने के बाद सीपीएम और कांग्रेस वर्कर के साथ क्या होगा? आज के दिन सिर्फ तिपरा मोथा आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। हमारा जो डिमांड है, हमारा जो बुरे लोग है, ये यूथ है, आपको बोलना चाहता हूं। इस बार मैंने अपना यूथ को और बुरुई को बहुत चांस दिया। पहला बार एक आंचलिक पार्टी है जिसने 5 बुरुई को टिकट दिया, वो भी रिजर्व सीट से भी टिकट दिया। इस बार गारंटी है कि पहला बार 60 साल में 60 इयर्स में पहला बार आंचलिक पार्टी से एक बुकुंग बारा बुरुई बुमा एमएलए बनेगा। यूथ को चांस दिया। इतना यूथ को आज तक किसी ने चांस नहीं दिया। आज तक यूथ सिर्फ मोटरसाइकिल में रैली करता था, नेता जो था उसको टिकट मिलता था। आज जो मोटरसाइकिल में है वही कैंडिडेट है। यूथ को चांस दिया इस बार, बंगाली को चांस दिया। कोई आंचलिक पार्टी ने बंगाली को चांस नहीं दिया आज तक, पहला पार्टी है। मुसलमान को चांस दिया। आज त्रिपुरा में मणिपुरी को, विष्णुप्रिया हो, मैतेई हो, ना सीपीएम ने ना बीजेपी ने एक भी टिकट दिया, तिपरा मोथा ने दिया। ये पार्टी सबका सोचता है। ये आपका जो बुबागरा है, जो महाराजा है, जो प्रद्योत है, जो भी आप हमको बोलो, ये किसी को बांटता नहीं है, थानसा लाता है। थानसा अंगदी, थानसा रखो। थानसा रहा तो कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहा ना तो हमको बांट बांट के, काट काट के खत्म कर देगा। ये फाइट आती गीता, कमल, पवित्र, जिन जिन को दिल में दुख लगा है, ये फाइट हम सब का है, ग्राम का लोगों का है, हमारा गरीब लोगों का है, जो भूखा है, जो इसके पास पेट में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन जब बुबागरा जाता है थोड़ा सा चाकू ही लेके आता है, जिसके पास घर में कुछ नहीं है लेकिन बुबागरा को देख के रो के बोलता है कि बुबागरा कुछ करो, हम तिपरासा को कुछ करो, आप लास्ट होप है, आप हमारा आखिरी होप है। और मैं आपको एक बात हा का कसम खा के बोल के बोलता हूं, मैं प्रॉमिस करके आपको बोलता हूं, आपका प्यार ने हमको बदला। पहले बुबागरा अलग था, पहले बुबागरा भी सोचता था कि एमपी बनो, पहले बुबागरा भी समझता था कि मंत्री बनो, लेकिन जब मैंने आपको देखा, जो 4 साल में मैंने आपको देखा है ना, जो प्यार आपने हमको दिया, या मैं वो बुरा जैसा वो हमको देख रहा है, जो प्यार आपने हमको दिया है ना, मैं बदल गया, अंदर से बदल गया।
आज इतना ताकत नहीं है कि मैं जोर जोर चिल्ला के बात करूं, लेकिन दिल में आज 100% अपना बुकुंग बरा के लिए फाइट करने के लिए तैयार हूं। और ये लड़ाई यहां में जीता जाएगा, सोच में जीता जाएगा। अगर यहां में, अगर आपका माथा में, अगर आपके दिमाग में आप लोग एक हो ना यहां में और यहां में, तो जितना भी पैसा फेंकना है फेंक दो, हम लोग ये बार जीतेगा। और अगर हारा, और अगर हारा ना, स्पेशली यूथ को मैं बोलना चाहता हूं, अरे आप लोग हारा तो हारा, आज से 20 साल बाद आप अपना सेकला सिकली को बोल सकता है हम लोग हारा लेकिन हमने फाइट आखिरी दम तक किया, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज करते करते, कॉम्प्रोमाइज करते करते आज हम लोग यहां में है। ये आपका जगह है, ये आपका भूमि है, कोई आपको यहां से भूमिहीन नहीं कर सकता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आप रेडी है कि नहीं? अगर रेडी है तो कुछ भी तूफान आ जाए, जितना भी पैसा फेंक दे, जितना भी डरा दे, जितना भी धमका दे, उनके पास सब है, हमारे पास हमारा विश्वास और आपका बुबाग्रा इस बार सामने से फाइट करेगा। मारना है तिपरासा को, मारना है मेरे एससी को, मारना है मेरे मुसलमान भाई को, तो पहले मुझे मारो, नहीं मार सका तो बाद में जवाब आपको देना पड़ेगा, ऊपर में जवाब देना पड़ेगा। उनके पास सब, हमारे पास भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर है। और भगवान को भी एक बात समझना पड़ेगा कि ये फाइट सत्य का फाइट है, ये फाइट झूठ का नहीं है, पैसे का नहीं है, ये फाइट हम लोग सच्चाई के रास्ते के लिए फाइट कर रहे हैं, ये फाइट अधिकार का फाइट है, ये फाइट अपना भविष्य का फाइट है। और ये फाइट में अगर भगवान हमको नहीं देखता है तो भगवान को भी जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या गलत काम किया था, क्योंकि हम लोग, हमारा दिल सफा है, हमारा सोच सही है, हमारा रास्ता सही है, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम दंगा नहीं कर रहे हैं। लेकिन